मित्रों कैसे हो यारो। तो लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि मैं इस शेल से, इस डब्बे से बाहर आऊँगा और कोशिश करूँगा खुद को ठीक करने की और बेटर फील करने की। तो आज मैंने सोचा बाइकिंग की जाए, क्योंकि बाइकिंग ऑलवेज मेक्स मी फील बेटर। एंड टायर फ्लैट है तो एक अभी मैं टायर पे हवा भरता हूँ, फिर इसको सर्विस लेके जाऊँगा, क्योंकि मैंने लॉकडाउन से पहले सर्विस कराई थी। तो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स कावासाकी निंजा को हर 6 महीने में या 6,000 किलोमीटर पे सर्विस कराना होता है। तो या दैट्स दैट। तो ये साइकिल वाला पंप है, क्योंकि मेरे पास कार वाला पंप तो है नहीं, इसी से लगते हैं। That was quite a task. अब चेक करते हैं कि पंचर कहाँ पे है। So I've discovered where the punctures are. I don't know if you guys can see that. ये दोनों पंचर हैं। तो फाइनली सेट टू लीव, एंड गुड बॉय की तरह मैंने अपना लंच इसमें ले लिया है, बिकॉज आई हैव टू डू समथिंग अबाउट द शेप, जो कि मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया था। तो लेट अस फायर हर अप। आई मिस्ड द साउंड। मेरे को ऑलमोस्ट छतरपुर पहुंच के याद आया कि मैंने हेलमेट पे भी एक गोप्रो लगा रखा है, दूसरा मैंने बैग में डाला हुआ है। मैं इतना इंग्रॉस हो गया था बाइकिंग करते हुए इतने टाइम बाद कि मैं भूल गया कि गोप्रो साथ है। बट देन अगेन, ये मोटो व्लॉग नहीं था, दिस वॉज जस्ट बिकॉज मैंने कहा था कि मैं डब्बे से बाहर आऊँगा, व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा, चीज़ें करूँगा जो मुझे अच्छी लगती हैं। बाइकिंग मुझे अच्छी लगती है, और आई डोंट नो अब आप में से कौन इंटरेस्टेड होगा देखने के लिए कि निंजा की सर्विस कैसे होती है, बट थोड़ा सा मैं कावासाकी का सर्विस सेंटर दिखा दूंगा, एंड वहाँ पे मैं एक बड़े व्लॉगर से मिलने वाला हूँ। मतलब बहुत ही बड़ा है, मेरे से भी बड़ा है। अगर मुझे 36 कमर की पैंट आती है तो उसे 38 आती है। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, बड़ा व्लॉगर दैट्स ओरम कावासाकी। और इसके पीछे वर्कशॉप है इनकी, गुड भाई। आज खुद खुद बैठे हो नीचे? वेयर्स द टर्टल? सो जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैं बड़े व्लॉगर से मिल रहा हूँ, मेरे से बड़े व्लॉगर से मिल ये मेरे से बड़ा व्लॉगर है मिस्टर सौभाग्य। देखो अगर साथ में हम खड़े हों तो पता चल जाएगा कौन ज्यादा बड़ा है, कौन ज्यादा बड़ा। एंड यहाँ पे रौनक लगी रहती है स्टॉक की, सबसे ज्यादा बाइकें लोग बेचते हैं, फिर भी बाइकें सजा के रखते हैं। कैसे करते हो बताओ? कैसे करते हैं? कैसे? एक हाथ से दी, एक हाथ से ले ली। ये ज़्यादा लेनी देनी ना गंदी बातें होती हैं। अच्छी बट लेडीज एंड जेंटलमैन, N650 में ये वाला नया कलर आया, बहुत ही सुंदर लग रहा है, TFT के साथ आया है। ये कलर से बाइक थोड़ी महंगी लग रही है, यू नो दे हैव नॉट गॉन विद द रेगुलर कावासाकी ग्रीन। और हाँ, तो मैंने आपको दिखाया था मेरा बैग, तो बैग में मैं लाया हूँ लंच, टैंक बैग में लाया हूँ मैं लंच। इस थैले में है क्या, ये रहस्य खुलेगा, बॉइल्ड कॉर्न, नथिंग स्पेशल। तो थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं जब मैं खान पान कर लूँ।
1 hour later. तो बाइक सर्विस होके आ गई है, वो खड़ी है, आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी इट। जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पे मुझे बड़े बड़े व्लॉगर मिलेंगे, और सौभाग्य तो मेरे से बड़ा व्लॉगर है ही, मेरे को सौभाग्य से भी बड़े व्लॉगर मिल गए। जोएल भाई खड़े होना ज़रा। तो सौभाग्य मुझसे बड़ा व्लॉगर, ये सौभाग्य से बड़े व्लॉगर, और ये जेन्युइनली यूट्यूब पे भी बड़े व्लॉगर है, माइनस द बकचोदी। इनका चैनल है जेडी व्लॉग्स दिल्ली, देखना ज़रूर। इन्होंने मेरे लिए एक दिन बिहाइंड द सीन शूट किया था जब हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, अब हम जानते हैं। और अब मैं फूटूंगा बाइक पे और देखता हूँ और शूट करूँगा कि नहीं। साइनिंग आउट फॉर नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन। सो कावासाकी से निकलते निकलते शाम हो गई, एंड शाम का ड्रॉबैक होता है द ट्रैफिक। ऑफिस से लोग घर जा रहे हैं तो मुझे ट्रैफिक मिलेगा, कुछ मतलब है नहीं ज़्यादा शूट करने का। बट बिकॉज आई प्रोमिस्ड यू गाइस कि मैं मोटो व्लॉग शूट करूँगा और व्लॉगिंग करूँगा, मैंने ये छोटा सा व्लॉग बना दिया है। बट आई थिंक आई एंड इट नाउ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट यू गाइस हैव गिवन मी। मच लव।